नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य, ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चतुर्थी महीने में दो बार आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक की चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करना चाहिए अगर, और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज यानी कि नहीं खाना चाहिए। सकटा चौथ का महत्व और पूजा विधि व्रत कथा इस प्रकार है। यह व्रत गणेश भगवान को समर्पित है। व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए संकट चौथ का व्रत उपवास किया रखते हैं। संकट को हरने वाली चतुर्थी व्रत को करने से घर से सारी नकारात्मकता नेगेटिविटी दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद यानी सूर्योदय से पूर्व आप उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करें, के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले लाल वस्त्र अवश्य धारण करें, कोई एक भी आप धारण कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, भगवान के सामने हाथ जोड़कर जैसे करना चाहते हैं व्रत को, निर्जला व्रत रखें या फिर नहीं रख सकते, दवाइयाँ लेते हैं या फिर आप उस तरह से स्वस्थ नहीं हो तो आप फलाहार या जूस ले सकते हैं। दिन में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत अवश्य रखें। व्रत निर्जला रखा जाता है तो खाने पीने की इसमें मनाही होती है, इससे व्रत खंडित हो जाता है। फलाहार या जूस लेकर के आप व्रत रख सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो आपको नहीं रखना चाहिए व्रत। नित्य पूजा करते हैं पहले वो कर लें। गणेश जी को एक लकड़ी का चौकी या पाटा बिछा लें, उस पर उनको विराजित करें, पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए पहले। साथ ही भगवान शिव पार्वती को भी अगर उस गोद में लिए हुए गणेश जी के फोटो है तो वो भी आप विराजमान कर सकते हैं। एक लोटा जल लें, उसमें मुख पर कलावा बांध ले। जल में काला तिल दुर्वा बस गोद में लिए हुए गणेश जी के फोटो है तो वो भी आप विराजमान कर सकते हैं। जल ले, उसमें मुख पर कलावा बांध ले। जल में काला तिल दुर्वा डालें। हल्दी, पैसा, सुपारी, पान का पत्ता, पंच पल्लव या आम का पत्ता रखकर आप कटोरी में चावल, कलश को अपने बाएं रखें कलश को और भगवान की पूजा करें। रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत पुष्प चढ़ाएं। तिल गुड़ का लड्डू का भोग या मोदक का भोग लगाएं। केला चढ़ाएं। इस तिल का लड्डू का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है तो आपके पास अगर है तो आप अवश्य भोग लगा सकते हैं या फिर आप उस प्रसाद में तिल भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें।